जैसे कि आप सब जानते हैं कि 11 नवंबर को पंचकुला में एक रेसलिंग प्रोग्राम के दौरान विदेशी रेसलर ने फिल्मी एक्टर, डांसर और चुलबुली हसीना राखी सावंत को रिंग में पटक कर मारा था। उसके बाद जो कुछ हुआ आप सब ने टीवी स्क्रीन, व्हाट्सएप, यूट्यूब और बहुत जगह सब कुछ देखा और सुना। पर आज जब द ग्रेट खली लुधियाना में एक प्रोग्राम में पहुंचे तो पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल में खली ने कहा कि राखी सावंत ड्रामा क्वीन है, इससे आगे क्या कहूं, जबकि दूसरी ओर राखी सावंत खली को भाई जैसा मानती है। भाई का बहन के लिए और क्या कहना था, सुन लेते हैं उन्हीं की जुबानी। बिल्कुल, हम पिछले 11 तारीख को जो रेसलिंग हुई थी पंचकुला, CWE की जो बिग फाइट हुई थी, और बस वहाँ पर उनकी आपस में कुछ बातचीत हुई रिंग में, तो उसको ऊपर से पटक के मारा कि बाकी तो हमने तो यही देखा कि भी क्या हुआ, लेकिन हमने जो सबने देखा वही हमने देखा कि भी उसको पटक के मारा, उसको चोट लगी थी और अब सब ठीक है। क्या इतनी चोट थी जितना राखी सावंत ने रौला पाया हुआ है? आप समझ ही सकते हैं ना, राखी सावंत मतलब अभी तो राखी सावंत चोट बाकी तो यही बता सकती है, लेकिन हमारे लिए तो ऐसे हर रोज चोटें लगती है, पर हो सकती है उसको थोड़ी ज्यादा लगी होनी क्योंकि उसकी फील्ड नहीं है। और कुछ तो जैसे बोलते कि ड्रामा क्वीन है, ड्रामा क्वीन है, ड्रामा क्वीन है, ड्रामा क्वीन है, तो आप समझ सकते हैं उससे। आप भी उनका हॉस्पिटल में पता लेने गए हैं, डॉक्टर भी बताते होंगे कि उसको कितना, उन्होंने बताया कि लोअर बैक में चोट लगी, लेकिन अब चीज ओके है, मतलब कोई ज्यादा सीरियस नहीं है और मसल पेन थी, अब ठीक हो गई। आप क्या समझते हैं कि वो एक पब्लिसिटी स्टंट ज्यादा था? पब्लिसिटी अब वो तो राखी से पूछ सकते हैं कि पब्लिसिटी स्टंट था या क्या था, लेकिन मतलब जो आपने देखा कि ऊपर से उसको गोरी ने उसको ऊपर से पटक के मारा है, वो सबने देखा है। अब अंदर तो कोई घुसा नहीं, कोई ना मैं डॉक्टर ना आप डॉक्टर है कि भाई उसको क्या कितनी चोट लगी है, जो चीज़ हमारे सामने आएंगी आपके सामने आएंगे, हम तो उसी चीज़ का बयान कर सकते हैं। लुधियाना से गुरमीत निज्जर की रिपोर्ट, कैमरामैन विकास के साथ, फॉक्स.पंजाबी, योर सिटी, योर न्यूज़।